दोस्तों, अगर आप भी विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर बहुत ही आसानी से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इस वीडियो में जिस मेथड को आपको बताने वाला हूँ, उस मेथड की सबसे अच्छी बात यह कि आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्रॉप करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर से देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल एन के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पे और आपको दिखाते हैं कि कौन से वो तरीके हैं जिनसे आप बहुत ही आसानी से स्क्रीनशॉट्स को ले सकते हैं। तो दोस्तों, विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 में इनबिल्ट ये फीचर आता है जिससे आप बहुत ही आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके लिए आपको विंडो आइकन पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, आप नीचे देख भी सकते हैं, ये जो ऑप्शन है स्निप एंड स्क्रैच, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस को एक साथ प्रेस करते हैं तो इसे आप शॉर्टकट तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, उसे भी मैं बताऊंगा आगे। उससे पहले आप देखिए, अगर आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो आ जाती है और जहाँ पे भी माउस के कर्सर को आप लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अगर मैं पूरी विंडो को अगर सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीनशॉट है वो आ चुका है। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया का भी स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे इतने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप देख सकते हैं इतना सा स्क्रीनशॉट है वो आ चुका है। तो यहाँ से आप इस पीएनजी फाइल को आप सेव कर सकते हैं अपने लैपटॉप में किसी भी लोकेशन पे। जैसे कि मैं अगर इसे डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो दोस्तों, आप भी बहुत ही आसानी से किसी भी पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विंडोज के इस फीचर को आप शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको विंडोज शिफ्ट और एस को एक साथ प्रेस करना पड़ता है। जैसे आप इसे प्रेस करते हैं तो आपके पास एरिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। जिस भी एरिया का आपको स्क्रीनशॉट लेना है आपको उतना सिलेक्ट करना है, और जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे एक्शन सेंटर पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखता है, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको वही जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था वो यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करने का भी आइकन यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो आप फोटोशॉप में भी डायरेक्टली आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फोटोशॉप को अभी यहाँ पे ओपन करता हूँ तो अभी हमने जिस स्क्रीनशॉट को कॉपी किया था, अभी आप कंट्रोल एन करेंगे और आप ओके करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल बी करके पेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं वही स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी आ चुका है। यानी अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये वाला फीचर। अगर आप डायरेक्टली दूसरे तरीके से आप फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको अपने विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी के कीबोर्ड के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट स्क्रीन का। अगर आप प्रिंट स्क्रीन को अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका जो फुल स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट है वो कॉपी हो जाता है। उसके बाद आपको जो पेंट है वो आपको यहाँ पे ओपन करना पड़ता है। जैसे आप पेंट सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल बी करेंगे तो आप देखेंगे जो आपने प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करने के बाद जो स्क्रीनशॉट लिया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे सेव के आइकन पे क्लिक करने के बाद आप इसे सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में मैंने आपको दो ऐसे मेथड बताए जिनसे आप बहुत ही आसानी से स्क्रीनशॉट्स को ले सकते हैं अपने विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपकी विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी रह गई है तो नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा। और गाइज, अगर आप पहली बार देख रहे थे हमारे वीडियोस को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे जो भी हेल्पफुल वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।